स्टैंड है और मैं अपना केक खुद ही खरीदती कर रही हूँ क्योंकि दीपक ऑफिस से लेट आ रहा है और पिछली बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, कोरोना हो गया था, तो इस बार बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ क्या होता है। एंड दीपक का नाम लिया और दीपक यहाँ पर तारा दीदी इज हियर। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या करना है, मैं वहां होगी तुम यहां होगे। तो मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। चलो तारा, देखो डैडी वो है, मैं यहाँ हूँ, अपन लोग सब चलेंगे ऐसे ऐसे पैदल पैदल। देखो छेड़ रहा है, छेड़ते हुए जा रहा है। मैंने केक ले लिया है, दीपक में बुला रही है, यार मैंने भी तो पिछली बार लिया था तो सरप्राइज क्या रहा, तो तुम ले लेना, तो मैंने ले लिया, दिल पे पत्थर रखकर चल रही हो तो समझ में आ रहा है ये सिग्नल है और ये बिकॉज वॉकिंग जोन है तो यहाँ स्पीड इतनी कम होती है कि दीपक भी वहीं तक पहुँचा है और हम लोग भी पैदल पहुँचते पहुँचते उसके बराबर ही हो जाएंगे। मेरा बर्थडे आ रहा है, तीन जगह ढूंढ के वर्ल्ड बेस्ट केक लाई हूँ मैं, क्योंकि दीपक वर्ल्ड बेस्ट तो नहीं लाता, बहुत जरूर लिया था। मेरे साथ गई थी ये वो से, तुम अगर चाय नहीं पीनी हो तो रोजमान से इसकी कैंडल ले आते हैं, एक के खाते में दो का बिल फटेगा। और मेरा गिफ्ट दीपक, मैं आज रोने लगूंगी अगर मुझे सरप्राइज नहीं मिला तो मैं रोऊंगी आज। देख के टूरिस्ट जैसी लग रही, इसके बाद इतने बड़े हो गए ना तारा, कल तुम्हारे बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे आपकी गंजी होगी। क्यों बोल रही है? क्या प्लान है? मैंने दीपक को बोला है कि कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर दो, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा था तारा, ये मेरा आइडिया है बेटा। अब ये मजा आएगा ना भिड़ो, बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद फाइनली ऑर्डर कर रहा हूँ। आज हमारे किचन में कुछ नहीं बनेगा, हैप्पी बर्थडे ट्रीट। चलो तारा डिनर का इंतजाम। तारा सो गई है, उसका सेटअप यहाँ होगा। हम खाना खा रहे हैं, वहाँ के इतना जानवर है, मत उसको मत मारो यार। क्या है तो छोटा, पर ये है क्या? पीछे से छक 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 छक, गया अंदर ना घुस गया, दरवाजा बंद, वो गया ना जा रहा है, तो दरवाजा बंद करने की बोल रहा था कि अंदर ना चला जाए। रात के बजने वाले हैं 12, सुरभि उधर तारा को सुला रही है, मेरा आज ऑफिस था, ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, कल के लिए अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, गिफ्ट और शॉपिंग, और अभी मैंने थोड़ा डेकोरेट किया, वो दिखाता हूँ आपको, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, अभी दिखाता हूँ। मस्त केक काटेंगे, केक खाएंगे, फिर कल करेंगे पार्टी। वो हो रही थी और अब इसने ये वो चक्के लगा दिए, तो इसकी जरूरत थी भी नहीं है, तो बर्थडे तो है, पता है अभी बर्थडे लिखने से क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा देखो, रात को 12 बजे कौन आया है, हेलो देखो मामा का हैप्पी बर्थडे है, ये देखो मामा का केक, फिर आपको नीनू आ रही है ना तो आपको सुला देंगे। कौन आया है ये?
रात को 12 बजे नीनू में है, देख रही है हैप्पी बर्थडे। पार्टी चल रही है आपको सही। Yes, party तो चलेगी। कुछ हो रही है? हाँ तो it's time to sleep। अब कल देखते हैं, कल celebrate करेंगे। दीपक के पास कुछ तो surprise है। ये तो अटक गई है गर्दन। हाँ, इसको बहुत दर्द हो रहा है, तो आराम करते हैं। एलिंग नहीं हो रही, पर कल पार्टी जोश आए है, जोश इस है, पार्टी होगी। तो आज विश किया है कि सुबह सुबह बैटी मिल जाए। मुझे बैटी चाहिए हैप्पी बर्थडे पे। बस यहाँ जर्मनी में रहने के बाद तो मेरी एक विश रह गई है, बेड टेबल जाए, सुबह सुबह उठ के चाय ना बनाना पड़े। है ना तारा, आपकी क्या विश है? पॉट में टी लाऊं मैं, पॉटी ऑन द बैक, क्या आपको चाहिए? दीपक ये कोई मजाक का टाइम है, मैं बुरा मान जाऊंगी। इट्स माय बर्थडे। बर्थडे वाले दिन तो इंसान को दिलदार हो जाना चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, खुशियां खुशियां, किसी चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? हम पूछे चाहती तो मैं भी यही हूँ। तो यही चाहो इसने अपने आप को नाखून से मार लिया। बिग बॉस के दरवाजे खुलते हुए सुबह 10 बजे शटर खुल रहा है। दिस इज फॉर यू धंकिन शोन फॉर मेकिंग माय लाइफ सच अ प्रिटी। लग रहा है अभी भी गर्दन सही नहीं है। चलो अदरवाइज कर बर्थडे आज है, पार्टी आज है। ये सामने कौन है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है WWE का कोई हो। क्या खतरनाक बॉडी है इस बंदे की। तुम बना सकते हो ऐसी बॉडी? ओ भैया, ऐसी बॉडी बनाऊंगा तो सिर्फ बॉडी बनानी पड़ेगी, बाकी सब काम छोड़ने पड़ेंगे। जो आप दीपक, अब क्या प्लान है? दीपक का सरप्राइज देखवा लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? बताई नहीं रहा। चलो ले आया है मुझे सिटी सेंटर पे, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है। वहीं पार्किंग में लगाई है, अब कहाँ लेके जा रहा है? लेट्स सी सिटी सेंटर। मुश्किल से कितने कम टाइम आया हूँ यहाँ पर। हाँ, इसके पैदा होने का तो आई नहीं है। नहीं तारा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम। हम इतना जैप गए हैं भीड़ से, इतनी डर गए हैं। दीपक ऐसे कर रहा है तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि इसको यहाँ ना स्ट्रेस है थोड़ा, तो ये इसको थोड़ा प्रॉब्लम है पीछे मुड़ने में। गर्दन मुड़नी बंद हो गई। ये देखो यहाँ नागिन रेस्टोरेंट है, अफगानी है, जैपनीज रेस्टोरेंट है। ऐसे प्लेट्स चलती रहती है, आपको जो भी लेना है टेबल पर यहाँ ले सकते हो, और प्लेट काउंट होगी उस हिसाब से पैसे लेते हैं ना। मतलब कुछ भी खाओ सबका एक हिसाब, ऐसा नहीं कि चिकन महंगा मिलेगा और पनीर सस्ता मिलेगा। तो सिटी सेंटर में आके मैं दीपक से बोल रही हूँ कि मुझे टूरिस्ट जैसा फील होने लगता है। चलना है, लेड़ू पे बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, ये मैं बर्थडे व्लॉग में थोड़ा जल्दी डाल दूंगी, बाकी के जो व्लॉग्स हैं पेंडिंग के वो बाद में डालूंगी, क्योंकि मेरा बर्थडे है यार। जैसे ही बर्थडे होता है वैसे ही डालना चाहिए। और मैं अभी इस चीज के लिए वो खुश कि दीपक कहीं तो मुझे लेके जा रहा है। दीपक
वैसे तो हम हमेशा ट्रिप प्लान करते हैं छुट्टी के बर्थडे पर, पर पिछले हफ्ते इटली से आए, उसके वीडियोस बाद में आएंगे, ये बोल दो गर्दन हिल गई है तो लंबी ड्राइव नहीं हो पाएगी। उसके वीडियोस बाद में आएंगे, ऑफकोर्स ट्रिप पे गर्दन में चोट लगी हुई है इसलिए लंबे ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे, तो यही मजे मारेंगे आस पास। इतने सारे लोग कैसे बैठे हैं, भगाओ इन्हें, पाँच से ज्यादा नहीं अलाउ। सबसे अच्छी बात सुबह सही टाइम पर आ रहे हैं, आज छुट्टी ली है दीपक। दीपक, आई जस्ट रियलाइज कि हम कितनी अच्छी सिटी में रहते हैं जर्मनी की। देखो ताली बजा रहे हैं के, एक बजे भी इतनी भीड़ हो रही है, मेरा ऑफिस यहीं कहीं है, कोई देख ना ले मुझे। अभी मेरे को एकदम से इंडिया फील आ गया कि ऑफिस यहीं है, मतलब वो खिड़की से सब दिखता है, तो मैं दीपक से कह रही हूँ दीपक मेरा ऑफिस यहीं है, कोई देख ना ले। एंड ही इज लाइक कि यार ये वो थोड़ी ना कि तुम बंक मार रहे हो, बाकायदा तुमने जो है वो ब्रेक लिया है और उनको पता है तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा मतलब तेरा सवाल ही नहीं होना चाहिए, स्कूल में थोड़ी है ये सवाल ही गलत है। ठीक है खत्म करो इसे, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, एकदम सिटी सेंटर। वो देखो वो चर्च से देखो, हम जा रहे हैं वहाँ, मैंने वो रेस्टोरेंट बुक किया है। कौन सा वो कैफे रेस्टोरेंट? अरे यार दीपक ये खुद दुकान है नहीं खाना मुझे आजकल, क्या मिलता है था?